थोड़ी फीकी फीकी सी है। मतलब इसका नाम है शेजवान, वो वाला मजा नहीं है शेजवान वाला। गन और मैं खाऊंगा मंचूरियन। मंचूरियन हां हां, शेजवान और मंचूरियन मैं खाने वाला था। चल कोई नहीं, दान वाली। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई फूड क्रैश, एंड वी आर बैक विद आर न्यू वीडियो। तो भाई आज हम करने वाले हैं अल्टीमेट पतंजलि चैलेंज, और आज हम पूरे दिन खाएंगे सिर्फ पतंजलि के मतलब फूड प्रोडक्ट्स। और मैं बहुत सारा सामान लेके आ रखा हूँ, और अभी तक सुबह हो रही तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। मैं थोड़ी आंखें भी लाल हो रही है मेरी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा नींद मेरे को अभी भी आ रही है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं, और बाकी मेरे को अपनी क्लास भी ज्वाइन करें तो फर्स्ट आइटम दिखा देंगे आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हैं। सर स्टार्ट करते हैं अपने पतंजलि चैलेंज अपने ब्रेकफास्ट के साथ। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, तो पतंजलि का टमाटो ओट्स है, दूसरा हमारा चोको फ्लेक्स है। वैसे तो यार मेरी उम्र 21 साल है, पर कोई नहीं, मैं खा लूँगा चोको फ्लेक्स भी। बाकी हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स है और म्यूजली भी है, बटर म्यूजली ना, और म्यूजली तो मैं डेली खाता हूँ क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं जैसे आप सबको पता ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग जो है ट्राई करते हैं चोकोस, ट्राई करते हैं इनके पतंजलि के चोको फ्लेक्स। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने भी भाई चोको फ्लेक्स नहीं ट्राई करे, और टमाटो ओट्स तो मतलब वैसे खाए हैं थोड़े टाइम पहले, बट कोई नहीं, आज दोबारा से ट्राई कर लेते हैं एक बार पतंजलि के टेस्ट कैसे है इनका। चलो इसे बनाते हैं और देखते हैं, और जो हमारा कॉर्नफ्लेक्स है उसे फिर कभी ट्राई कर लेंगे। तो चलो अपने ब्रेकफास्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरे चोकोस बन के रेडी हो गए हैं, ये चेक कर सकते हो आप भाई, क्वांटिटी ठीक से 10 रुपये के पैकेट के अंदर, और क्या आपको चाहिए। बाकी ये मेरे ओट्स भी बन गए हैं भाई, थोड़े ओट्स मेरे ख्याल से ना मैंने गलत बना दिए, ये थोड़ा ज़्यादा डेंस हो गए हैं देखने में अजीब से लग रहा था। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बाकी जो स्किन की भाई खुशबू आ रही है वो तो बढ़िया आ रही है, और बाकी भाई क्लास चल रही है मेरी अभी यहाँ पे, तरुण सर को पॉज कर रखा है मैंने, तो फटाफट से खाते हैं और फिर अपने क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। सो गाइस, पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ अपने चोकोस, भाई देखने में तो बहुत चॉकलेटी से लग रहे हैं, बाकी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि टेस्ट है कैसा। भाई टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है, जो चॉकलेट की क्वालिटी है इनकी वो भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। क्वांटिटी भी ठीक है 10 रुपये के हिसाब से, मतलब मैं टमाटो ओट्स ट्राई करते हैं। बाकी इसकी शक्ल देख के तो मेरा मन कर नहीं रहा इसको ट्राई करने का, भाई ये देखो पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया है, अजीब सा कुछ बना हुआ है इसका यार, एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा ले लेते हैं, मैं पता नहीं मैंने गलत बनाया है या नमक बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा टेस्ट मेरे को ज़्यादा टैंगी लगा, मतलब हल्का सा टैंगीनेस ज़्यादा है मेरे ख्याल से, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी है ना मैंने वो कम कर दिया है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। बाकी चोकोस तो बहुत लाजवाब लगे मेरे को, मेरे ख्याल से इसकी जगह ओट्स की जगह मेरे को वही कॉर्नफ्लेक्स ट्राई करना चाहिए था। चलो यार मैं अपना ब्रेकफास्ट निपटाता हूँ, फिर देखते हैं बीच में क्या भूख लग रही है मेरे को, दोपहर के 3 बजने लगभग, तो यार अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने अपने लिए वर्मा सिली बनवाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो ये मैंने अपने लिए बनवा ली, और बाकी जो इसका टेस्ट है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप इसे बनाते कैसे हो। बाकी जो क्वालिटी है ना वो चेक करते हैं हम कि मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है या नहीं है। और जो इसका पैकेट है, और जो इसका पैकेट है मैं लाया था 30 रुपीज़ का, तो और जो साइज़ था उसका बहुत बढ़िया था, वो मम्मी ने मतलब अपने पास रख लिया, वरना मैं आपको दिखाता। सो गाइस इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, बाकी देखते हैं भाई क्वालिटी मतलब कैसी है 30 रुपये के अंदर। सो चलो ट्राई करते हैं, वैसे उसका टेस्ट था बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि एक तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई, और दूसरी बात तो ये है जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइस वाइज क्वांटिटी रेशियो देखोगे इसका भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा पैकेट था इसका 30 रुपये के हिसाब से, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब भर भर के दे रखी थी इन्होंने वर्मा सिली। तो बाकी बॉम्बिनो की भी आती है मेरे ख्याल से 25-30 रुपये की आती है वो भी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी थी, टेस्ट भी अच्छा है इसका, क्वालिटी सबसे बढ़िया लगी मेरे को इनके प्रोडक्ट्स की। बाकी अभी ना एक यूट्यूब से पैकेज आया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे अनबॉक्स करके देखते हैं, मेरे को पता नहीं भाई क्या आया है, देखते हैं कि क्या है। बहुत बड़ा सा पैकेज आया था तो उसमें देखते हैं। बाकी जो मेन हमारी वीडियो है वो तो कंटिन्यू रहेगी पतंजलि चैलेंज की। सो गाइस ये पता नहीं अभी क्या आया है मेरे पास, मेरे को भी नहीं पता, अभी ब्लू डार्ट वाले भैया का फ़ोन आया, कह रहा है मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, और पता नहीं बड़ा सा क्या दिया है, क्रिएटिंग फॉर इंडिया लिखा है इसके ऊपर, और अभी तो मेरे को पता भी नहीं इस चीज़ के अंदर है क्या। तो चलो एक बार यार इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या भाई, मतलब वो खुद नहीं पता है क्या। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इसे खोल लिया है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ भाई, क्रिएटिंग फॉर इंडिया, मेरे को लग रहा है कि कुछ अच्छा सा है, कमरे की हालत ठीक कर लेनी चाहिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, तो वीडियो को पॉज करते हैं और पहले कमरे की हालत ठीक करते हैं। सो गाइस इसको देखते हैं अनबॉक्स करके क्या है इसमें। अच्छा यूट्यूब की तरफ से आया है भाई ये, क्रिएटिंग फॉर इंडिया, मेरे को लगा फेसबुक में भेजा है। सो ये अनबॉक्स हो गया है, और कुछ थैले जैसा लग रहा है ये, ऐसे शॉपिंग वगैरह करने जाओ वैसा सा।
यहाँ पे यूट्यूब की ब्रांडिंग कर रखी है, नीचे लिखा क्रिएटिंग फॉर इंडिया, एक बार खोल के देखते हैं बाकी इसके अंदर क्या है। बाकी बहुत भारी है ये, कौन सी बुक भेजी है, क्या इसके अंदर मेरा नाम होगा, ये इसके अंदर है और क्या है ये, अच्छा बुक टाइप है, सारे क्रिएटर्स के बारे में दे रखा है इसके अंदर, एनसीईआरटी के साथ ये सब भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को। बेसिकली इसके अंदर मेरे ख्याल से जो क्रिएटर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए अच्छा काम करा है उसके बारे में डिटेल बता रखी है। तो ये आया हमारे को यूट्यूब की तरफ से, और बाकी मैं सोच रहा हूँ अपने चैलेंज कंटिन्यू करते हैं, अपनी क्लास लेते हैं, उसके बाद अपने देखते हैं कि क्या खाना है शाम को। चलो अपने चैलेंज की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपन बॉक्स करके दिखाई दिया हम लोगों ने अपना लंच और ब्रेकफास्ट डन कर लिया पतंजलि के फूड आइटम्स के साथ, और अब बज रहे हैं शाम के 5। जैसा कि आप लोग टाइम देख सकते हो मेरी घड़ी के अंदर, ओ अनलॉक ही हो गई भाई, 5:08 हो रहे हैं, चलो भाई 5 ही बज रहे हैं। और भाई अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हम तो अभी भूखे, तो हमारे पास शाम के लिए कुछ आइटम्स हैं। ये मैं 4 नूडल्स ले आया था गाइस, ये देखो हमारे पास इसमें, ये हमारी कौन सी है, शेजवान नूडल्स है, मंचूरियन, और ये हमारे पास 2 आटा नूडल्स हैं, इनके अलग अलग फ्लेवर्स के, इसका छोटा भी बना हुआ है भाई, ये चेक कर रहे हो उनका पैकेट, बाकी देखने में तो बढ़िया लग रही है, उसकी फोटो तो बढ़िया बनी है, बाकी अब देखते हैं टेस्ट करके कैसा इसका टेस्ट है। तो बहन तू कौन सा खाना पसंद करेगी? मैं खाऊंगी शेजवान, और वो दूसरी कौन सी है, एक और, एक ही मिलेगी, एक एक और चाहिए, एक दूसरी मिलती है हमारे यहां, नहीं वो एक दूसरी टेस्टी वाली, टेस्टी वाली सारी टेस्टी होती है। अच्छा तो ये खाएगी शेजवान और मैं खाऊंगा मंचूरियन, मंचूरियन हां हां शेजवान और मंचूरियन मैं खाने वाला था। चलो कोई नहीं, दान मिली, चलो यार फिलहाल इनको बना के देखते हैं और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। ये हमारे जिन तरीके से नूडल्स को कट करते हैं, वरना हम दांत से फाड़ लेते हैं। इनका मसाला है, क्या लिखा है इसके ऊपर, शेजवान, शेजवान मंचूरियन वाली, सर मंचूरियन लिखा है, अच्छा अच्छा बहुत, तो मंचूरियन मसाला है ना, नहीं है बाकी जो मेकिंग है इसकी सेम ऑलमोस्ट मैगी की तरह ही है, तो इसे आप बस कट करके और बस 2 मिनट में तो कोई भी नहीं बनता ना, मैगी बनती नहीं है बन रही है, और खुशबू दोनों की बहुत बढ़िया है। बाकी ये देखो दोनों मैगी हमारी बनके रेडी हो गई है गाइस, ये चेक करो, ये हमारी शेजवान नूडल्स है, और मैं तो वैसे दोनों ही खाने की सोच रहा हूँ। तूने कौन सी खानी थी, शेजवान? हाँ तो पहले वही ट्राई करता हूँ फिर, बाकी उसकी खुशबू आ रही है वो तो बहुत बढ़िया आ रही है, बाकी अभी टेस्ट करके देखते हैं। क्वान्टिटी भी ठीक ठाक सी है, प्राइस 15 रुपये था भाई, ये देख सकते हो क्वान्टिटी, आप मतलब एक पर्सन की तो इनफ है 15 रुपये के हिसाब से, बाकी अब देखते हैं बाबा जी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 15 रुपये के अंदर। गरम होगी, बड़ी फिकी फिकी सी है, और इसका नाम है शेजवान, वो वाला मज़ा नहीं है शेजवान वाला, शेजवान मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी मेरे को मैगी के अंदर, वो मैगी कह रहा हूँ थोड़ी सी कम लगी मेरे को नूडल्स के अंदर, अगर वो थोड़ी ज़्यादा होती तो हाँ थोड़ी बेटर लगती है, बाकी टेस्ट ओके है, अगर भाई 5 में से रेटिंग है तो 3.5 के आसपास दे सकते हैं, बच्चों के लिए ठीक है ना। मंचूरियन, मंचूरियन मंड नूडल्स, मैगी का सस्ता वर्जन लग रहा है देखने में, खुशबू में तो ऐसा लग रही थी भाई बिल्कुल आग लगा देगी तो हल्का एकदम। इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। मुझे मंचूरियन नूडल्स है, इसका टेस्ट शेजवान से थोड़ा सा बेटर है, बाकी से मंचूरियन का टेस्ट फ्लेवर के अंदर पूरा मंचूरियन का कॉम्बिनेशन खा रहे हो, बाकी टेस्ट दोनों का ओके ओके, इसको 5 में से रेटिंग दो, 4 रेटिंग दे सकते हैं, मैं तू ट्राई करके देखते रहो कैसी लगी है। ठीक है तो अब हम मंचूरियन वाली टेस्ट करते हैं कैसी है, कैसी लगी, थोड़ी खट्टी है
वैसे टेस्ट अच्छा है, मतलब ठीक है, बट बहुत अच्छा भी नहीं है, मैगी के टक्कर के नहीं बोल सकते। हाँ मैगी के टक्कर के नहीं है, वो वाली बात नहीं है, बट हाँ अच्छी है। तेरे कौन सी ज्यादा बढ़िया लगी? मेरे को तो मंचूरियन ज्यादा सही लगी थी। ये कौन सी थी? शेजवान। मंचूरियन ज्यादा अच्छी है। मंचूरियन ज्यादा अच्छी है ना? ये अजीब है, इसमें शेजवान का फ्लेवर सही से नहीं आ रहा, कुछ अजीब है ये, पता नहीं ऐसे अजीब सही है। मसाले की कमी है इसके अंदर, बाकी नूडल्स जो क्वालिटी ऐसे लगता है बस इन्होंने नमक के जोर पे बनाई है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, नमक ज्यादा लग रहा है। तो ठीक है फिर अब हम इसको खत्म कर लेते हैं दोनों को अच्छे से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे डिनर के लिए, सोचेंगे अब हमें क्या खाना है। नहीं, मेरा तो बीच का भी होगा अभी। हाँ बीच में जो छोटा मोटा स्नैक्स हमारा चलता रहता है, वो प्री डिनर पोस्ट डिनर वो हमारा चलता रहता है, डिनर के भी कभी कभी हमारे दो तीन राउंड हो जाते हैं, रात में पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए 3-4 बजे तो तब भी खा लेते हैं, दो तीन राउंड हो जाते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम क्या बनाएंगे। अब बज रहे हैं शाम के 7, तो भाई हमें भूख लग गई थी अभी, तब मैंने नूडल्स खाए थे, 8 बज रहे हैं। टाइम दिखाने का स्टाइल देख रहे हो इसका, तो भाई अभी हमारे दोस्तों का टाइम है और साथ में हमारे पास रस्क है और एक बिस्किट है इनका, जो बिल्कुल जैसे यम्मी आता है सनफीस्ट का उसकी कॉपी है, बटमर की आलू भुजिया भी है। एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, तो इसे फटाफट खोलते हैं और देखते हैं, ट्राई करते हैं। आज ये खुल गया, ये है हमारा रस, ये देखो, ये मेरे को 30 रुपये का पैकेट मिला था पतंजलि से, बाकी रस का साइज जो है भाई बढ़िया है, देखने में क्रंची भी लग रहा है, बट इसकी पर बिना दूध में डिप कर भाई लेके देखते हैं। कॉफी कौन सी है? थोड़ा स्वीट भी है खाने में, तो रस तो अच्छा है इनका, बाकी इनकी जितने आइटम्स अभी तक हमने ट्राई किया सारे बढ़िया लगे हमें, सिर्फ इनकी जो नूडल्स थी, सिर्फ इनकी नूडल्स होती वो थोड़ी बेकार लगे हैं, बाकी जो इनके रस थे भाई वो भी बढ़िया थे। अब इनकी बिस्कुट ट्राई करते हैं, देखते हैं बिस्कुट कैसे हैं। बिस्किट, बिस्कुट होता है, बिस्कुट था और पार्क चल। क्या लिखा है इस पर, क्या लिखा है, ट्रांस फैट रहित, अच्छा मेरी हिंदी वीक है। ये इनके बिस्किट हैं, इसका प्राइस तो 5 रुपये था, जिसमें 20% एक्स्ट्रा मिला है मेरे को, बाकी इसका भी टेस्ट लेके देखते हैं। सनफीस्ट टाइम भी तो बहुत खाया मैंने, तो ये देखते हैं कि उसके कंपैरिजन का है या नहीं है। पता नहीं प्रोडक्ट्स अच्छे हैं यार, मतलब बढ़िया लगा बिस्कुट, मेरे को काफ़ी सॉफ्ट था, चॉकलेट है वो भी बढ़िया थी, क्योंकि जो सनफीस का टेस्ट है थोड़ा आटे जैसा हो गया, किसी सिर्फ आटा चबाया जा रहा है, मतलब चॉकलेट कंटेंट तो बहुत खराब सा हो गया, मैंने एक बार खाया था मेरा पेट भी खराब हो गया था वो खाने के बाद, और ये पतंजलि का प्रोडक्ट ये वाला बिस्किट मेरे को बढ़िया लगा, और इनका जो रस है वो भी बहुत सही लगा। वैसे भी बज रहे हैं 9:00 और भाई थोड़ी सी भूख लग रही थी, मेरी बहन ये सोया पैकेट का पैकेट लेके बैठी है, सोयाबीता का, ये भी भूख से पागल हो रही है, मैं भूख से पागल हो रहा हूँ, तो इसको खोलते हैं और इसे खाते हैं। खोल इसे, खोलू, सूट हो रहा है, सूट, हाँ सूट हो रहा है, सूट हो रहा है, खोल। इतनी इजीली मैंने खोल लिया, कौन सी मेहनत करनी है, इसके अंदर सोया स्टिक्स, इसके अंदर देखो क्या निकलता है ये, अरे ये तो तुम लोग खाओ, खा, कैसी है, दांत टूट गया। क्यों दांत के टूट गए? बहुत कड़क है, बहुत कड़क है ये, ठीक है मतलब अच्छा है, अरे ये प्रोटीन से वो ज्यादा एनरिच होती है, टेस्ट अच्छा है, सील कैसे जाएगी बंद खाने, हाँ टेस्ट अच्छा है, जैसे सील हुई है, हाँ चलो मैं क्या, हाँ थोड़ा सा टेस्ट अच्छा से सील हुई है, पर ये बहुत हेल्दी होती है खाने में। सो गाइस अभी बजे हैं 10:00 और अब मैं सोच रहा हूँ कि जो चोको लिशियस का मैं डब्बा लाया था पतंजलि से, पर इसको खा लेते हैं और उसके बाद अपना डिनर करने का टाइम आ जाएगा, और भाई आप से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से एक ही जगह पर क्यों बैठा हुआ हूँ। रीज़न है ये, जो क्लास चलती है ना पूरे दिन, उसके मेरे को पढ़ना पड़ता है भाई, इसकी वजह से मैं पूरे दिन ही अपनी जगह बैठा था अपने रूम के अंदर, तो इसी वजह से मैंने ऑलमोस्ट पूरी वीडियो यहीं पर शूट कर डाली है, क्योंकि भाई इस बार तो फोड़ना है तो किसी भी तरीके से पढ़ने और वीडियोस को मैनेज करना ही पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी पतंजलि का, जैसे इसको भी डब्बे के ऊपर जैसे भाई आपको दिख रहा होगा, ये चॉकलेट वगैरह बना रखी है और देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है, और चॉकलेट सा भी, तो एक बार से ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, और ऐसा दिखता भी है या नहीं दिखता, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये थोड़ा सा फट गया भाई डब्बा मेरे से हमेशा की तरह, तो भाई ये अनबॉक्स हो गया है, और देखने में तो भाई बिल्कुल भी सेम से नहीं लग रहा जैसे मैंने इसके अंदर देखा था,
भाई इसके अंदर तो बहुत सारे चॉकलेट दिख रहे हैं, तो छोटे छोटे से हैं। ओ भाई फिर भी गए थोड़े से। बाकी इसका प्राइस जो है 70 रुपये के आसपास है, थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को। बाकी एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। भाई क्रंची तो बहुत है, बट जैसे चॉकलेट ही दिखा रखे हैं ना बाहर, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मतलब ठीक से है, अगर मैं ऐसे तोड़ा तोड़ के भी दिखाऊँ आपको तो इतने चॉकलेट तो नहीं देते उन्होंने डब्बे के ऊपर बना रखा है। और ये देखो ऐसा लग रहा है कि भाई कितने सारे चॉकलेट डाल रखे हैं इसमें, भरा हुआ चॉकलेट से। बट खाली है भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर चॉकलेट के नाम पे कुछ भी नहीं डाल रखा, बस क्रंची और बहुत हल्का सा चॉकलेट है। बग्गे से लगा गया अब कुरकुरे चबा रहे हो थोड़े मीठे वाले। ओको कैसा जैसा 70 रुपीज़ का, थोड़ा सा कॉस्टली लगा मेरे को बताने का प्रोडक्ट। बाकी यार कितना 70 का इतना, हाँ 70 रुपीज़ का। सो गाइस ये तो मेरे को जो आइटम थे इनका मतलब ओके ओके ऐसा लगा। 70 रुपये के हिसाब से मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है ये, थोड़ा सा मेरे को वेस्ट ऑफ मनी लगा। 70 रुपये में भाई बंदा इसे खरीदेगा इसका पैकेज की फोटो देख के, बट उसके हिसाब से वर्थ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मतलब टेस्ट भी तो कुछ खास नहीं है, और चॉकलेट तो बहुत नाम की डाल रखी है, मतलब बहुत ही कम चॉकलेट है। तो चलो यार एक बार डिनर करते अपने। मैंने जो मैं बुलाया था सोयाबीन, उसको बनवाया है मम्मी से, और एक बार उससे वैसे रोटी से ट्राई करके देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। बाकी जब तक मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ और उसका देखते हैं भाई, चैलेंज एंड करते हैं और आपको बताएंगे कि भाई कैसा रहा आज का हमारा पूरा दिन पतंजलि का प्रोडक्ट खा के हमें कैसा फील हो रहा है। सो भाई मेरा डिनर जो है बन के रेडी हो गया और रात के 11 बज रहे हैं। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हुआ डिनर करने में, इतना लेट नहीं खाना चाहिए, बट कोई नहीं यार काम बहुत ज़्यादा होता है उस वजह से यही टाइम हो जाता है डिनर का। चलो मैं जो मैंने बनाया है सोयाबीन में आपको, मतलब मैंने नहीं मम्मी ने बनाया है, मैं आपको उसे ट्राई करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि भाई क्वालिटी कैसी है उसके, प्राइस वाइज उसका मतलब वर्थ है या नहीं, क्योंकि वो भी आपके बनाने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। बाकी जिन भी फूड प्रोडक्ट्स थे वो मैंने आपको ट्राई करके दिखाया, तो अब बारी डिनर की, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस ये हमारा डिनर आप देख सकते हैं, सोयाबीन और आलू की सब्जी और साथ में रोटी और थोड़ा सा सैलेड, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो चलो अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है। अब टेस्ट तो बढ़िया ही होगा, मम्मी ने बनाया तो मम्मी की बनाई हुई चीज़ अच्छी होती है। बाकी मतलब क्वालिटी कैसी है जिनके सोयाबीन है उसकी क्वालिटी कैसी है वो ट्राई कर लेते हैं एक बार। गाइस क्वालिटी बहुत सही है, बहुत सॉफ्ट है। बाकी मेरी मम्मी ने बनाया तो मतलब अच्छा कैसे नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बाकी जो क्वालिटी अच्छी है, इस बॉक्स का प्राइस था और 220 ग्राम इसके अंदर मेरे को सोयाबीन मिला 220 ग्राम। बाकी भाई मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, बट जो इनकी नूडल्स थी भाई वो मतलब ओके ओके जो, और ये जो पीछे डब्बा रखा मेरे चोकोलीशियस का, मैं मतलब ये तो सबसे घटिया लगा मेरे को, सबसे बेकार ही लगा मेरे को भाई। 70 रुपये पूरे वेस्ट गए, इससे बड़े तो सोयाबीन है 55 रुपये में मज़ा आ गया खा के भाई, बिल्कुल वेस्ट यार। मैंने इसको मतलब थोड़ा और भी खाया, मतलब वीडियो बन करने के बाद कि क्या पता भाई एक जो दो मैंने खाए हो उसमें थोड़ा डिफेक्ट हो, बट जैसे बना रखा ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है यार मैं मानता हूँ ब्रांडिंग करना बढ़िया बढ़िया बात है, हर कोई ब्रांडिंग करता है, बट इतनी धोखेबाजी तो कोई नहीं करता ना। बाकी गाइस जो हमारा ऑलरेडी पतंजलि चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया भाई, अगला चैलेंज कौन सा करें बता देना भाई, क्योंकि घर की वीडियो तो शूट कर पाऊंगा मैं, अभी बाहर तो मैं जा नहीं पाऊंगा, और अभी शायद एक कैफे की वीडियो मैं शूट करने जाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो शायद वो मैं शूट करूँगा। बाकी आपको चैनल पर उज्जवली दिखेगा थोड़े टाइम तक, तो मैं बस जुलाई तक की बात है, उसके बाद तुम्हारा भाई फिर से वापस आएगा। बाकी एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, बहुत बढ़िया था भाई, मतलब मैं सारा सामान 500-600 रुपये के आसपास लेता था, वो भी बहुत सही था। और गाइस एक और बात, जो हमें इसकी चॉकलेट लाया था वो 5 स्टार, और जो हर्बल चॉकलेट थी हमारी भाई वो मैंने वीडियो शूट करी थी खाते हुए, बट यार ना वो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, माइक नहीं चल रहा था मेरा, और वीडियो भी ब्लर हो गई थोड़ी सी, ऑयल लगा हुआ था कैमरे पे। बाकी जो इनकी चॉकलेट्स थी वो भी बहुत टेस्टी थी, बाकी बिस्किट्स वगैरह सब बहुत अच्छा था, और जो भाई इनकी सुपर स्टार थी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में वो डिट्टो भाई पूरी 5 स्टार वाला टेस्ट था, मतलब प्राइस भी उससे मतलब उसके लगभग और उससे बड़ी थी, टेस्ट एकदम एक नंबर भाई, क्या बताऊँ मैं, एकदम जानदार टेस्ट था। चलो यार वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।